देख रहे हो ये क्या है? व्हाइट मुझे बहुत पसंद है। व्हाइट इतना क्रंची और इतना टेस्टी और इतना अर्दी होता है। व्हाइट मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो अपना अपना टेस्ट चेंज होता रहता है, बट व्हाइट पता नहीं क्यों आजकल बहुत पसंद आ रहा है। तो व्हाइट मेरा फेवरेट बन गया है अभी फिलहाल। तो ये व्हाइट ही है। बड़ा वाला पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखो कितना बड़ा है ना व्हाइट, और कितना सारा है मेरा स्टॉक। और मैं इसमें रखती हूँ, ये व्हाइट क्ले है, ठीक है? क्या है ये? व्हाइट क्ले है ना। और मैं वीडियो बना रही हूँ, पूजा वाले रूम से वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये व्हाइट की क्यों बना रही हूँ? पूजा वाले रूम में बैठ के, सामने भगवान जी का मंदिर है, भगवान जी भी मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो व्हाइट से मैं रंगोली निकालूंगी। अभी मैं इसको पानी में घोल दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे रंगोली बनाऊंगी। और रंगोली बना के उसके बाद सुबह मॉर्निंग में मैं रंगोली के ऊपर फूल चढ़ाऊंगी। फूल चढ़ा के उसमें दीपक लगाऊंगी। तो अब मैंने सोचा है, जब भी मैं एकादशी का व्रत करूंगी तो भगवान जी के सामने व्हाइट खड़िया, व्हाइट क्ले से मैं रंगोली बनाऊंगी। और रात में रंगोली बना के छोड़ दूंगी। अभी पोछा उछा लगा दिया है, और झाड़ू तो लगाते नहीं है, ऐसे मैंने पोछा लगा दिया है। रात में बना के छोड़ दूंगी, और सुबह 4 बजे 3 बजे उठूंगी, फिर नहाना धोना करूंगी। तो 4:30 या 5 बजे मेरे कान्हा जी नहा के और अपना श्रृंगार करके बैठ जाए, और उनके सामने दीपक जल जाए। बस मैं कोशिश यही करती हूँ। तो सुबह ये रंगोली वगैरह नहीं बना सकती, तो अभी बनाऊंगी, ठीक है? और वाइट आइटम, इसको काफी लेडीजों ने खा के दिखाया है, और आजकल बहुत सारे सेलर आ रहे हैं। और सेलर स्वीट पॉइजन, यानी ये खाने से क्या होगा आप लोग जानते हो। तो जितने भी सेलर है पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। भोली भाली घरों की लड़कियों को बता बता के बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा मैं क्रंच करके दिखाऊंगी, और दिखा के सबका दिमाग ब्रेन वॉश करके वो इसको सेल करती हैं, और आप लोगों का पैसा अपनी पॉकेट में डालती है। लेकिन पगलियां लड़की इसको मंगाती है और चोरी से अपने घर वालों की इसे खाती है, और खा खा के इस वाइट चूने मिट्टी को अपने पेट में स्टोरेज कर करके, जमा कर करके अपनी हड्डियों को गलाती है, अपनी किडनी को खराब करती है, अपने लीवर को डैमेज करती है, और अपनी फूड पाइप को चोक करती है। और ये आज नहीं पता लगेगा, इसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद जरूर पता लगेगा। और सेलर कितने स्मार्ट है, सेलर एक तो क्ले सेल कर करके इतनी सारी इनकम कर रहे हैं। हर सेलर के घर में इतना सारा क्ले स्टॉक होता है। क्यों क्यों इतना सारा होता है? क्योंकि ये उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, उनके मजे आ रखे हैं। मिट्टी 300 से स्टार्ट करके 500-600 रुपए किलो वो सेल कर रहे हैं। और मिट्टी का गलती से नन्ना सा पीस भी अगर टूट जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा भी उनका टूट जाता है, तो इसको ब्रोकन में डाल डाल के इस पे ऑफर रख रख के आप लोगों के घर भेजा जाता है। उनको पैसे मिलते हैं, और आप लोगों को खाने में स्वीट पॉइजन मिलता है। आप लोग इसका मजा लेके खुश हो जाते हो, लेकिन ये मजा धीरे धीरे पेट में जाके सजा बनती है। और वो सजा ऐसी बनती है कि एक भयानक बीमारी का रूप ले लेती है, और फिर मिट्टी ऐसा विस्फोट करेगी, फिर मिट्टी आप लोगों को हिला के धमाकेदार बम की तरह फटेगी। फिर आप सैड हो जाओगे, फिर बोलोगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। और जितने भी सेलर हैं, एक तो इस तरह की वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं, और दूसरा मिट्टी सेल करके, उनके दोनों तरफ से मजे। आज सब सेलर खुश हैं कि हमारा जो चैनल है इतना ग्रो करता है, मिट्टी दिखा के हम अपनी इनकम कर रहे हैं, और दूसरा हम सेल करके भी इनकम कर रहे हैं। लेकिन 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 सारे सेलर इसकी सजा भुगतेंगे। जहर यानी स्वीट पॉइजन सेल कर रहे हो, आज ये आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन लेकिन लेकिन
वो भगवान जी देख रहे हो कि तुम क्या सेल कर रहे हो, किस तरह से थोड़ा सा खा के बोलोगे क्रंची है, अर्दी है, टेस्टी है, ठीक है, नशा दे रहे हो, बीमारी का सामान सेल कर रहे हो, वो पैसा तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होगा। भले ही तुम खूब पैसे कमा रहे हो लेकिन फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, और इस क्लेश सेल करने का पैसा जहां जहां लगाओगे धीरे 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 आपकी घर में इतनी नेगेटिविटी, इतनी प्रॉब्लम होगी कि कभी पंडित को दिखाओगे, कभी अपनी जन्म पत्रियां निकालोगे, कभी कुछ भी करोगे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेगी किसी की हाय। तो मैं आज से ही बोल रही हूँ, हर सभी सेलर को बोल रही हूँ, इस तरह का पाप मत करो, अपनी अपनी ये दुकानें बंद कर दो, इसकी जगह कुछ और आप लोग सेल करो, कुछ अच्छी चीज़ सेल करो। आज जहर खिला रहे हो इनके चक्कर में, इस चीज़ को सेल करके जो मज़ा आ रहा है ना, जो मजा आ रहा है वो पैसा तुम्हारी सजा बनेगी। बोलते ना, हराम का पैसा हराम में ही जाता है ना। किसी को बीमार करने का सामान बेचोगे तो तुम्हारे घर से कभी जिंदगी में बीमारी नहीं निकलेगी, और जितनी भी सेलर है धीरे धीरे वो अपने घर को खराब कर रही हैं। उनके घर में जो जो प्रॉब्लम हो रही है उनकी जिम्मेवार वो खुद है। जिस लेडीज को ये खा के बीमारी लगी हुई है, जिनके ऑपरेशन हो चुके, जो इसको खा के ऊपर जा चुके, उनसे पूछो, उनकी हाय उनसे सुनो। सब लेडीज बोलती हैं कि दीदी क्रंचस से पहले इन सेलर की शॉप बंद कराओ, सेलरों की कंप्लेंट करो, सेलरों की दुकानें बंद कराओ, जहां से ये फैक्ट्री से आता है वहां पे आप एक्शन लो। जब यही सब नहीं रहेंगे तो क्रंचस भी धीरे धीरे डाउन होंगे। तो आप टेंशन मत लो, हम इनको समझाते हैं, समझते नहीं है, ठीक है, इनको आज पैसे कमाने दो, लेकिन ये जिंदगी भर अपने परिवार को अपने हाथों से ही खराब कर रहे हैं। इनके घर में इतना बुरी तरह दोष लगेगा जितनी भी सेलर है, क्योंकि ये जो है क्या बेच रही है, क्या बोलते हैं इसको, स्वीट पॉइजन, ठीक है। तो याद रखना, इसको खा के इतनी बीमारियां उनको लगेगी, उन बीमारियों का एक एक का हिसाब हर सेलर से लिया जाएगा, क्यों लेगा ऊपर वाला, ठीक है ना, है ना। मैं बंद कमरे में वीडियो बना रही हूँ, कोई नहीं देख रहा, लेकिन उनकी नज़र सब पे है, तो इसीलिए अपने कर्म खराब मत करो, ठीक है। और इसकी रंगोली मेरे को बनानी है, ठीक है, ये पीस अगर इसको खाओगे, अभी ये इतना वाइट है तो हमारा तो ये इंटरनल सिस्टम सारा अंदर से पूरा वो कर देगा, तो ठीक है, इसको मैं रख देती हूँ। आप लोगों को पता है ना पूजा में इसको यूज़ करती हूँ, तो मैं अब रख के वीडियो, यार सारी ड्रेस गंदी हो गई, ठीक है गाइस, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।